आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच हमेशा ही कांटे की टक्कर होती हुई आई है। और दोस्तों आईपीएल के इतिहास में अभी तक इन दोनों टीमों के बीच आज तक कुल 14 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से दोनों ही टीमें आज तक 7-7 मुकाबलों को अपने नाम कर पाई है। और आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जब आईपीएल 2020 में यह दोनों टीमें आपस में भिड़ने वाली है तो कौन सी टीम के पास इस मुकाबले को जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस जाने वाले हैं। तो गाइज अगर हम सबसे पहले आईपीएल 2020 के लिए इन दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर का कंपैरिजन करें तो सनराइजर हैदराबाद की टीम के लिए टॉप ऑर्डर में उतरने वाले हैं नंबर एक पर डेविड वार्नर, नंबर दो पर जोनी बेरस्टो और नंबर तीन पर केन विलियम्सन उतरने वाले हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम के लिए टॉप ऑर्डर में उतरने वाले हैं नंबर एक पर क्विंटन डिकॉक, नंबर दो पर कप्तान रोहित शर्मा और नंबर तीन पर सूर्यकुमार यादव उतरने वाले हैं। तो गाइस यहां पर अगर ऑन द पेपर दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर को देखा जाए तो मुंबई इंडियंस की टीम के पास जहां एक से बढ़कर एक बल्लेबाज मौजूद है, वहीं हैदराबाद की टीम के पास तो टॉप ऑर्डर में दुनिया के सबसे बेस्ट बल्लेबाजों में से तीन बल्लेबाज मौजूद है। लेकिन दोस्तों अगर हैदराबाद की टीम की तरफ देखा जाए तो हैदराबाद की टीम का जो टॉप ऑर्डर है वो साफ साफ जो मुंबई का टॉप ऑर्डर है उससे कई गुना ज्यादा बेहतर लग रहा है। साथ ही में आईपीएल 2019 में हैदराबाद की टीम के टॉप ऑर्डर ने सबसे जबरदस्त प्रदर्शन भी किया था और इसी वजह से टॉप ऑर्डर के मामले में हैदराबाद की टीम मुंबई के सामने थोड़ी सी ज्यादा ऊपर जरूर लग रही है। तो गाइस अब अगर दोनों टीमों के मिडल ऑर्डर को कंपेयर किया जाए तो हैदराबाद की टीम के लिए मिडल ऑर्डर में उतरने वाले हैं नंबर चार पर विराट सिंह, नंबर पांच पर मनीष पांडे, नंबर छह पर उतरने वाले हैं दोस्तों विजय शंकर और नंबर सात पर भुवनेश्वर कुमार उतरने वाले हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम के लिए उतरने वाले हैं नंबर चार पर उतरने वाले हैं ईशान किशन, नंबर पांच पर कायरन पोलार्ड, नंबर छह पर कृणाल पांड्या और नंबर सात पर हार्दिक पांड्या उतरने वाले हैं। तो गाइस अब यहां पर अगर ऑन द पेपर दोनों टीमों के मिडल ऑर्डर की तरफ नजर डाली जाए तो यहां पर ज्यादा प्रेडिक्शन की भी जरूरत नहीं है। यहां पर साफ साफ जो हैदराबाद की टीम का मिडल ऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा मुंबई के मिडल ऑर्डर के सामने थोड़ा कमज़ोर लग रहा है। लेकिन अगर मुंबई के मिडल ऑर्डर की बात की जाए तो मुंबई की टीम के मिडल ऑर्डर में तो चारों के चारों ऐसे खिलाड़ी मौजूद है जिन्होंने हमेशा ही आईपीएल में भी और मुंबई इंडियंस के लिए भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। चाहे वो हम पिछले साल की बात करें, उनके पहले प्रदर्शन के बारे में बात करें, जो मुंबई का जो मिडल ऑर्डर है वो हैदराबाद के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी है, साथ ही में एक्सपीरियंस भी है और फॉर्म तो पिछले काफी सालों से मुंबई के लिए काफी जबरदस्त रही है। और मिडल ऑर्डर के मामले में मुंबई की टीम साफ साफ हैदराबाद के ऊपर भारी पड़ने वाली है। तो गाइस अब यहां पर अगर दोनों टीमों के लोअर ऑर्डर का कंपैरिजन किया जाए तो हैदराबाद की टीम के लिए लोअर ऑर्डर में उतरने वाले हैं नंबर आठ पर राशिद खान, नंबर नौ पर शाबाज नदीम, नंबर दस पर सिद्धार्थ कोल और नंबर ग्यारह पर खलील अहमद उतरने वाले हैं। वहीं दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम के लिए लोअर ऑर्डर में उतरने वाले हैं नंबर आठ पर जयंत यादव, नंबर नौ पर राहुल चहर, नंबर दस पर दोस्तों लासित मलिंगा या फिर ट्रेंट बोल्ट में से कोई एक उतरने वाला है और नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह उतरने वाले हैं। तो गाइस अब अगर यहां पर दोनों टीमों के लोअर ऑर्डर के ऊपर नजर डाली जाए तो यहां पर दोनों ही टीमों की गेंदबाजी पिछले काफी समय से काफी अच्छी रही है। साथ ही में आईपीएल 2019 में तो कुछ ऐसा भी मुकाबला हुआ था जब हैदराबाद ने मुंबई को कुछ 118 पर ऑल आउट कर दिया था और दोबारा मुंबई ने हैदराबाद को 96 पर ऑल आउट कर दिया था। दोनों ही टीमों की जो गेंदबाजी है वो काफ़ी ज़्यादा टक्कर की रहती है, लेकिन ऑन द पेपर जो मुंबई के फास्ट बॉलर्स हैं वो इस समय की फॉर्म और इस समय का जो एक्सपीरियंस है वो हैदराबाद के मुकाबले काफ़ी ऊपर है, लेकिन स्पिनर्स के मामले में हैदराबाद की टीम ऊपर नजर आती है। लेकिन दोस्तों यहां पर दोनों ही टीमें एक दूसरे को अलग अलग स्पेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर देती है और लोअर ऑर्डर के मामले में इन दोनों ही टीमों का प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा देखने लायक होने वाला है। तो गाइज आपके हिसाब से कौन सी टीम का लोअर ऑर्डर या फिर कौन सी टीम
कौन सी सबसे ज्यादा खतरनाक है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।